के गिनाओ में आयोजित दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय बागवानी मेले का समापन प्रगतिशील किसानों के पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार वितरण देने के साथ ही मेले में भाग लेने वाले किसानों को लकी ड्रॉ के माध्यम से निकले कृषि यंत्र भी सौंपे। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को पोनी हाउस, नेट हाउस, अत्याधुनिक बीज, ड्रोन के प्रयोग और नैनो यूरिया के प्रयोग के बारे में जागरूक कर रही है। जो इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसका पहला किसान मेला का आयोजन हुआ और इसमें दो दिन का ये कार्यक्रम था। हजारों की संख्या में दादरी, बारडा, महेंद्रगढ़, तोसाम, भिवानी, लाहौरू के किसान आए और इसका मकसद ये था कि किसानों को जो नई नई तकनीकी आई है, नए नए बीज आए हैं और कैसे नेट हाउस, पॉली हाउस की खेती होती है, कैसे ड्रोन का उपयोग हो सकता है, कैसे नैनो यूरिया फायदेमंद है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी। अलग अलग हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सेशन रखे और किसान बड़े उत्साहित थे। ट्रैक्टर लेकर के हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान आए और हमारा मकसद ये है कि परंपरागत खेती छोड़ करके आधुनिक खेती जिसकी बाज़ार में डिमांड है उसकी तरफ किसान आकर्षित हों और यहाँ का किसान बदल भी रहा है। वहीं बागवानी मेले में आए किसानों ने क्या कहा है। मैं मशरूम की खेती कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ और बाग लगा रखा है जो ड्रिप के माध्यम से बाग लगा रखा है, जिससे पानी की भी बचत होती है और किसानों को पैदावार भी ज्यादा होती है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं तालु गांव से हूँ और कई सालों से मैं मधुमक्खी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि मेरा शहद निकालना और उसको पैक करके मार्केट में बेचना है। पहले तो मैं एक किसान था और अब मैं साथ में मार्केट करके एक व्यापारी भी बन गया हूँ। भिवानी में आयोजित हुआ बागवानी मेला कई मायनों में खास रहा। इस मेले में प्रदेश भर के हजारों किसानों ने खाद और बीज की नई तकनीकों, नेट हाउस, पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन, ड्रोन का प्रयोग और नैनो यूरिया के बारे में गहनता से जानकारी हासिल की। साथ ही इन तकनीकों को अपने खेत में प्रयोग के व्यवहारिक तरीके भी सीखे, जिसका परिणाम आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।